नहीं, आंदोलन जीवी तो वो लोग हैं जो जिनके स्वभाव में आंदोलन होता है, जो स्वभाव में जिनके में गलत चीज़ों का विरोध करने का एक स्वभाव होता है, ऐसे आंदोलन जीवी लोगों ने ही देश को स्वतंत्र कराया। अगर वो आंदोलन जीवी नहीं होते तो आज हम स्वतंत्र भारत में सांस न ले रहे होते, माननीय नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं होते, कोई वायसराय यहाँ पर होता। तो आंदोलन जीवी इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना आंदोलनकारियों के लिए ये अपमानजनक है। आंदोलन से ही प्रजातंत्र का जन्म हुआ है, आंदोलन ही प्रजातंत्र की आत्मा है, इसलिए आंदोलनकारियों को इस तरह की बात नहीं कहना चाहिए। अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद निरंकुश हो जाएगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शब्द थे, जो ये भी जब सत्ता में नहीं थे तो ये भी आंदोलन करते थे, रोड पे थे, तो क्या बताएं कि जो आंदोलन जीवी की कौन सी श्रेणी में आते थे। मेरे आते हमें पता पड़ गया 3-4 महीने में कि इस मिल में कितनी खामियां हैं और किसान को कितना भुगतना पड़ेगा, किसान की स्थिति कितनी बिगड़ जाएगी। हमारी जो मक्का 2500 बिकती थी वो 800 चली। नहीं, इनका ये कहना है कि ये जरूरी नहीं है कि जो है आप नई व्यवस्था के साथ ही जाएं, पुरानी व्यवस्था के साथ भी आप काम कर सकते हैं। ना कहाँ चल रहा हो ना, वो यही तो कहने जा रहा हूँ। MSP पर भी नई तुलाई की गई, मक्का की, गेहूं की, बाजरा की, धान की, तो पुरानी व्यवस्था रही का MSP तो थी ना। MSP पे तुलवा नहीं पाए, आधे दामों में तुलवाई, तो पुरानी व्यवस्था पक्का कर दी इन्होंने, जो थी उस पर भी नहीं तुलवा पाए, तो क्या समझे। जो मक्का की 1850 से 1850 दाम रही MSP के इसी साल, अभी लोकसभा में जो बोल रहे 8-8 से तुलवाई, बाजरा के दाम 1250 से थे, 11 से तुलवाया, मतलब MSP तुलवाना था, पुरानी योजना व्यवस्था बनाई था उसमें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।